जी आज हम जुमाना से बात करेंगे। आज उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो 3.6 मिलियन माशाल्लाह बहुत इनकी फॉलोअरशिप है, आज वो इनके साथ जो हमारा जो इंटरव्यू होगा इनकी पर्सनैलिटी के बारे में पूछेंगे, देखेंगे, बल्कि आने वाले वक्त में इनको ज़रूर कमेंट करना जब ये टिकटॉक पे आएंगी, तो बहुत सारे सवाल इनसे पूछना जो आज मेरे सवालों के जवाब देंगी। तो आज हम बैठ के ज़बरदस्त बात करते हैं थोड़ी सी, प्लीज़ जी। कैसा फील कर रही है? अच्छी, एवरीथिंग इज गुड। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं मुझे कि हमने पहले भी आपसे बात की थी, हाँ। एक अवार्ड शो में बात आपसे हुई थी, लेकिन वो बड़ी एक शॉर्ट थी, उसमें आपके बारे में हमें पता नहीं चला, हाँ। कि आपकी जो अपनी जो पर्सनैलिटी है, जो एक जुमाना अपने आप को किस तरह डिस्क्राइब करती है, किस तरह से देख रही हैं, तो ज़रा अपने बारे में बताएं कि आपने ये कब स्टार्ट किया और इससे पहले 3.6 जो आपके फॉलोअर हैं, इससे पहले आप कैसी थी? तो मैं कॉलेज में थी। अच्छा, कॉलेज में? कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी मैं, आई वॉज डूइंग लॉ हियर दुबई में। तो उस टाइम पे तो आई वॉज यूजिंग इंस्टाग्राम, आई यूज टू जस्ट डू ब्लॉगिंग, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ दुबई में। एंड देन उसके बाद आई फाउंड टिकटॉक एंड एक्टिंग का मुझे बहुत शौक है, सो दैट्स हाउ आई स्टार्ट मेकिंग वीडियोज एंड आई लव मेकिंग वीडियोज एंड आई लव एक्टिंग एंड आई मेक वीडियोज एवरी डे। तो ऐसे फॉलोअर्स बढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। मैं तो जब भी टिकटॉक ओपन करता हूँ, ऑन करता हूँ, तो मुझे सबसे पहला आपका एक्ट नज़र आता है और हमें बड़ा फील होता है प्राउड कि यार हम आपके साथ बैठ के इंटरव्यू भी करते हैं, आपको जानते भी हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जो सेल्फी लेके और वो खुद अपने टिकटॉक पे डालते हैं और वो फील करते हैं कि यार हमने जुमाना के साथ। मुझे बहुत अच्छी लगती हूँ व्हेन पीपल मेक वीडियोस लाइक दैट, जब वो अपलोड करता है तो जब मैं देखती हूँ टिकटॉक पे, आई फील रियली हैप्पी, लाइक और कमेंट भी करती हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त, यानी आप सोशलाइज भी हैं आप। अच्छा, आप ये समझती हैं कि इस तरह से लोगों की आप जो है वो खिदमत भी कर रही हैं, उनके लिए हेल्प भी कर रही हैं, ये ज़्यादा बेटर है? जो नए आने वाले होते हैं उनको आप सपोर्ट भी करती हैं? हाँ, मैं अच्छी वीडियोस देखती हूँ ना तो डेफिनेटली मैं कमेंट करती हूँ और लाइक भी करती हूँ, और मुझे ज़्यादा अच्छा लगा तो मैं मैसेज भी करती हूँ ये बोल के कि आपने बहुत अच्छा वीडियो बनाया। अच्छा, आप बिल्कुल उसको अप्रिशिएट करती हैं कि आउट क्लास आपने काम किया है, और ये बहुत बड़ा एक होता है, क्या उसे कहते हैं कि जिसे हम बड़ा अच्छा आपका अमल है कि आप लोगों की हेल्प कर रही हैं। अच्छा, रॉकी, हाँ रॉकी भाई, हाँ रॉकी बहुत क्लोज है मेरे, वो हमेशा टिकटॉकर को, यंग सोसाइटी को बहुत सपोर्ट करता है, तो आपके साथ उसके, हाँ आपके किस तरह से उनके साथ रिलेशन भी है? वो मेरे भाई जैसा है, डेफिनेटली रॉकी भाई तो मेरे भाई जैसा है, एंड या सो वी लाइक फैमिली नाउ, सपोर्ट करता है बहुत और एक बहन की तरह ट्रीट करती है मेरे को, और या ही सपोर्ट्स मी इन एवरी वे ही कैन, एंड बहुत खुशी होती है जब यू नो व्हेन पीपल ट्रीट यू लाइक सिस्टर एंड दे केयर फॉर यू, सो इट्स ट्रूली अ ब्लेसिंग अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि आप यंग सोसाइटी की आइकॉन है और वो लोग आपको फॉलो करते हैं, हाँ। और आप लोग जो बनाते हैं उसी को वो फॉलो करके वो भी कोशिश करते हैं कि वो भी फेम हो जाए, इसलिए पॉजिटिव कंटेंट्स, पॉजिटिव वीडियोस बनाना बहुत ज़रूरी है, तो या दैट्स हाउ वी इंस्पायर पीपल। अभी आप कुछ ऐसे कंटेंट पे काम कर रही हैं जो कि लोगों के लिए एक मैसेज हो? हाँ, मैं कोशिश करती हूँ डेफिनेटली, आई ट्राई टू थिंक ऑफ पॉजिटिव कंटेंट एंड आई ट्राई टू क्रिएट इट, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊँगी और वीडियोस पॉजिटिव कंटेंट पे, लाइक करना। ज़रूर ज़रूर, आपको तो वैसे ही लाइक करेंगे लोग जितनी आपकी फॉलोअरशिप है। अच्छा, जितनी माशाल्लाह आपकी पर्सनैलिटी है, आप एक मॉडल टाइप पर्सनैलिटी आपकी है, आपने क्या कोई रैंप पे चली हैं, कोई फैशन शो किया ये, और बॉलीवुड से आपको कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए ऑफर हुई है या किसी के भी थ्रू आपको कॉल हुई हो? तो मैंने एक साउथ इंडियन फिल्म ऑलरेडी की है और मैं एक और करने जा रही हूँ इंशाल्लाह सून, और बॉलीवुड तो मेरी दो डायरेक्टर से बात चल रही है, सो इंशाल्लाह इफ इट हैपेंस आई विल
डिस्क्लोज द डिटेल्स अभी तो फिलहाल डिस्क्लोज तो नहीं. तो जब आप बॉलीवुड में हिट हो जाएंगी तो टिकटॉकर जो आपकी फैमिली है उनको भूल जाएंगे? अबे नहीं, कभी नहीं. टिकटॉक तो हमेशा मेरी दिल के पास हो, तो हमेशा आई विल मेक वीडियोस, पॉजिटिव कंटेंट एंड ग्रुप वीडियोस, फनी वीडियोस, शायरी, सॉन्ग्स और शायरी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. अच्छा, सॉन्ग और शायरी. अच्छा, और लोगों को शायरी बहुत पसंद है. अच्छा, तो कुछ ऐसी कुछ शायरी तो आपको जो आपके दिल के करीब हो? ऐसे क्या, अभी तो टाइम न्यूज़ है ना दिल. नहीं नहीं, मैं न्यूज़ टाइम. तुझे प्यार करना नहीं आता. तुझे प्यार करना नहीं आता और मुझे प्यार के सिवा कुछ नहीं आता. दुनिया में जीने की दो ही तरीके हैं, एक तुझे नहीं आता, एक मुझे नहीं आता. एक तुझे नहीं आता और एक मुझे नहीं आता. माशाल्लाह, और आपकी फॉलोइंग शिप बढ़ेगी जैसे आपने जिस एक्सेंट से, आप तो बिल्कुल उर्दू को बहुत अच्छा समझती हैं. थैंक यू, वेलकम. अच्छा, और अब ये बताएं कि आप जो यंग सोसाइटी है, मैं हमेशा उनके लिए कोई ना कोई मैसेज, जो अच्छे यानी एक लेवल पर लोग चले जाते हैं तो उनसे लाजम आने वाली जो हमारी नस्ल है, जो स्ट्रगल में है, जो काम कर रही, जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए कोई ना कोई मैसेज होना चाहिए, कि पॉजिटिव मैसेज होना चाहिए. आप क्या देना चाहती हैं यंग सोसाइटी को? यंग सोसाइटी को मैं ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप लोग यो यंग, सो फोकस ऑन योर स्टडीज़, लेकिन यू हैव टू नो हु यू आर एज अ पर्सन एंड यू हैव टू नो वट यू वॉन्ट डू इन योर लाइफ एंड डेफिनेटली फॉलो योर पैशन एंड ऑलवेज मेक श्योर योर you're fully committed to do what you want to do in life. That's when you become successful. And always be polite, kind, and do things very maturely. That's what I would like to tell to the young society. Thank you so much, Jumana. आपने अंसर अकरम को टाइम दिया और न्यूज़ टाइम को टाइम दिया. Like this video, comment, and subscribe. Thank you. Thanks for watching the video.